जय गुरुदेव, जय महर्षि। ये फास्ट कैलकुलेशन का रूल नंबर 3 हम ले रहे हैं। इसमें क्या है कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर बिटवीन 40 एंड 50, अभी हमने पहले लिया था ट्रू में, 50 एंड 60 के बीच में जो नंबर है उनका स्क्वायर हम कैसे बिल्कुल तुरंत कर सकते हैं, शीघ्र मतलब कैलकुलेशन करके, और ओरली कर सकते, कोई इसके लिए कुछ हम ज़्यादा कैलकुलेशन का उपयोग नहीं करते हैं। हम यहाँ पर इस तरह के नंबर लेंगे, 40 से अधिक और 50 से कम, क्योंकि 50 का पता है, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर करें 2 0 रख दीजिए, और 40 का स्क्वायर के कितना होता है, 4 का स्क्वायर करें 16 और 2 0 रख दीजिए, तो 1600। तो इसलिए हम 41 से 48 तक, 9 तक के नंबर ले लेते हैं। हाँ, मतलब ये हम ये नंबर लेंगे उनका कैसे ये स्क्वायर करते हैं, इसका मेथड देख लेते हैं पहले। अब 4k होल स्क्वायर के फॉर्म में है हमारे 44, 46, 48 जो भी है हमारे एरिया नंबर है। तो ये नंबर हमारा यहाँ 40, 50 लिखा है, इट शुड बी 40 एंड 60 के बीच में नंबर, पुराना कॉपी किया ना हमारा, तो यहाँ आ गया। अब ये नंबर हमारा 2 डिजिट नंबर है, और उसके हमें k की वैल्यू 1 to 9 है, वो कोई मायने नहीं रखती, इसके भी इस बात से क्लियर हो जाता है कि 4k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए जो नंबर हम ले सिलेक्टर। अब यहाँ पर एंसर विल भी 4 डिजिट, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो उसका स्क्वायर जब करेंगे तो 4 डिजिट होगा। तो फर्स्ट टू प्लेस हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें डी के हम डी कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 50 माइनस 4k, जो 4k है हम, यह है हमारा 44 है, मान लो 44 का स्क्वायर करना है, तो 44 50 में से 44 घटा देंगे, मतलब 50 से 44 का क्या डिफरेंस है, ये डी, इसीलिए हमने डी से डिनोट किया। तो हम 25 में से डी घटा देंगे, तो यह हमारा क्या आ गया, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो ये यहाँ से 25 क्या होता है, 50 का स्क्वायर 2500, तो उसमें से अब हम नीचे करना नहीं, 50 से कम नंबर है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, डी डिफरेंस लेके माइनस कर देंगे, और लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करने के बाद में हम आंसर लिख देंगे। हाँ, ये देखिए हमारा यहाँ पर यह है, हम सब में पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए फिर क्या किया हमने, के का स्क्वायर किया जैसे पहले किया था, और फिर इन दोनों को फर्स्ट टू प्लेसेस मतलब आपके 1000 और 100 प्लेस, लास्ट टू प्लेसेस मतलब ये 100 और यूनिट प्लेस के लिए, ये जो है, तो यहाँ जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे ओरली, तो हमारा ये वैल्यू को हम लास्ट में लिख देंगे, और ये वैल्यू जो आएगी तो हम उसको फर्स्ट टू प्लेस मतलब 1000 और 100 प्लेस में लिख देंगे। अब हम सवाल देखते हैं, ये देखिए ये हमारा 44 है, तो हमने 50 में से 44 घटाया तो 6 आ गया, ये डी की वैल्यू आ गई, ये डी हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब डी को क्या करना, 25 में से डी को घटा देना, तो ये 6 को हमने यहाँ घटा दिया, 6 हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया यहाँ पर। हाँ, तो 6 को हमने माइनस कर दिया, तो हमारी आ गई वैल्यू 19, 19 को अलग रख लीजिए। फिर ये 4 है, इस 4 का स्क्वायर कर लें तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये फिर हम क्या करते हैं, 19 के बाद में ये 19 को रखते हैं 1000 प्लेस, और ये हमारा 100 प्लेस, ये 16 को कहाँ रखते हैं, ये 1 को हमने टेंथ प्लेस में, और ये यूनिट प्लेस पर रखे। अगर हमारा 52 होता तो ये 2 डिजिट ही नंबर आता, हाँ यहाँ 2 होता तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर करते तो हो रहा था, तो उस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, 0 4। हाँ, उस केस में तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ 2 डिजिट आप ये नंबर। हाँ, तो ये हमारा इजीली हो गया। अगर हम नेक्स्ट नंबर लें, ये एग्जांपल
थर्ड हमारा जो ट्रिक थे उसका एग्जांपल वन हमने लिया। अब देखिए हम एग्जांपल टू, अब 46 ले लिया हमने, मान लो 46 का स्क्वायर करना, तो 50 में से 46 किया तो ये हमारा ये डी आ गया, कितना 4 आ गया। और डी को फिर 25 में से हमने 4 घटाया तो कितना हो जाएगा 21, और फिर ये 6 का स्क्वायर करना 36 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2136, तो 2136। ये पहली दो डिजिट क्या रखना है हमें, 1000 प्लेस और 100 प्लेस में, यहाँ से आ जाएगी डिजिट 25 माइनस जो भी हमारा डी आएगा, डी मीन्स डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड 50, तो 50 में से घटा देना है तो ये हमारा आ जाएगा। और ये हमारे सिंपल है, वो रैली कर सकते हो। 49 का करना है तो हम क्या कर रहे हैं, 50 में से 49 घटाया तो हमारा आ गया 1। और 1 को हम यहाँ घटाएंगे, 25 में से 1 घटाया तो हमारा 24 आ गया। अब ये 24 हमारा आया, इसको हमने संभाल के रख लिया, 9 का स्क्वायर किया तो 81 हुआ, तो 81 9 का स्क्वायर 81, तो 81 यहाँ, तो 1000 और 100 प्लेस में तो रख दिया हमने 24 ये, और उसके बाद 81 ये होगा हमारे 10th प्लेस और 100 प्लेस में आ गए, तो ये हमारा आंसर हो गया 49 स्क्वायर इज इक्वल टू 2481। और 50 स्क्वायर क्या हो जाता है 2500, तो इससे थोड़ा बड़ा है और आगे और बढ़ जाता है। तो ये आपने ये तीनों एग्जांपल लिए, और भी आप एग्जांपल करके देखिए, इसको ट्राई करिए आप। ये मैंने कुछ नंबर दिए हैं, और यहाँ इस केस में ध्यान रखना, यहाँ भी आपके 3 का जब स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो 09 लिखेंगे आप। 100 प्लेस के लिए तो आपको मिल जाएगा नंबर 100 और 1000 और 100 के लिए, मगर 10th प्लेस और यूनिट प्लेस में, इन केस में 1, 2, 3 तक के हमारा सिंगल डिजिट इस आएगा नंबर, तो उसमें 09 करके डबल डिजिट बनाना। तो ये इन केस में इसमें इसमें ये तीनों में आपको थोड़ा याद रखना है। आप आशा है कि आप इनको प्रयास करके देखेंगे, वही कोशिश करी कि ये आपका 8 मिनट का समय हमने दिया है 6 प्रश्न के लिए, मतलब प्रति प्रश्न आपको करीब अप्रॉक्सीमेटली 1.4 मिनट्स के करीब मिलेगा, तो आप कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और इसको अच्छे से सीख सकते हो। बहुत इजी विधि है और इसमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं, मेंटल कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो ये बड़े बड़े नंबर को आपको कोई एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में समय कम मिलता है वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कहाँ कैलकुलेशन करने बैठे थे 43 × 43, क्योंकि 43 तक के अपन स्क्वायर भी याद नहीं कर सकते, तो ये इस तरह या 45, 48 ये फाई एंडिंग का कभी एक और रूल है वो बताएंगे तो उससे कर सकते हैं, मगर 48 का तो कोई रूल नहीं भाई, तो उसको हम कहाँ से याद करेंगे। तो इस मेथड से आप क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसी तरह गणित का आनंद लीजिए, और आनंद को सभी में आप शेयर करेंगे तो और आनंद बढ़ेगा। आपको मेरी शुभकामनाएं, जय गुरुदेव, जय महर्षि।